हमारे सभी दर्शकों को दक्ष प्रजापति मुर्केश्वर ईश्वरलाल का सादर प्रणाम। आज हम ज्योतिराद्य सिंधिया के बारे में चर्चा करेंगे। वर्तमान समय और आने वाले समय के बारे में हम ज्योतिराद्य सिंधिया के बारे में चर्चा करेंगे। ये लोकप्रियता उन्हें किन ग्रहों की वजह से प्राप्त हुई है और ये लोकप्रियता कहाँ तक चलेगी। कांग्रेस के एक समय के धुआंधार नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया की जन्म कुंडली के बारे में, ज्योतिरादित्य सिंधिया का वर्तमान समय और आने वाला समय कैसा रहेगा, क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया भविष्य में सीएम बन पाएंगे, तो हमारा ये कहना है कि उनकी जन्म कुंडली के अंदर ज्योतिरादित्य सिंधिया का जन्म 1 जनवरी 1971 अर्ली मॉर्निंग 10 बजे मुंबई में हुआ था। जन्म लग्न मकर है, कुंभ राशि में चंद्र राहु है, मेष राशि में वक्रीय शनि है, सिंहस्थ केतु है, तुला में दसवें स्थान में मंगल है, वृश्चिक राशि में शुक्र गुरु है, धन राशि में 12वें भाव में सूर्य के साथ बुध वक्रीय है। मूल जन्म कुंडली में शनि और मंगल, शनि उच्च का है नवमास कुंडली में और मंगल भी अपना स्वग्रही है, तो नवमास कुंडली और स्वग्रही के अंदर शनि और मंगल की भूमिका बहुत ही जानदार रहती है। इंसान को आगे आने का, यानी कि पॉलिटिक्स के अंदर आगे आने में शनि और मंगल का महत्व रहता है। मूल जन्म कुंडली में मंगल और शुक्र से परिवर्तन योग बन रहा है। इनकी जन्म कुंडली में शनि और मंगल मेन भूमिका योग बन रहा है। वर्तमान समय में मंगल धन राशि में गोचर भ्रमण कर रहा है और गुरु भी धन राशि में गोचर भ्रमण कर रहा है। व्ययस गुरु व्यय भाव में गोचर भ्रमण कर रहा है और सूर्य चंद्र और राहु के ऊपर से गोचर भ्रमण कर रहा है। यह सभी योगों की वजह से उनका कांग्रेस से इस्तीफा हुआ और कांग्रेस में उसने रिजाइन दिया और बीजेपी में आ गए, मगर बीजेपी वालों इनका बीजेपी में आने की वजह से नाराज हो जाएंगे। क्या ये सीएम बन पाएंगे? तो हमारा कहना यह है कि सप्तमेश चंद्र मारक बन रहा है और वो भी राहु के साथ होते हुए दिनांक 30 मार्च 2020 से 30 जून 2020 का ये जो समय है 3 महीने का, इनके अंदर मकर राशि का गुरु जब जन्म लग्न में गोचर भ्रमण करेगा उस समय शनि भी गोचर भ्रमण स्वग्रही होगा और मकर में गुरु नीच राशि में भ्रमण करेगा, उस समय वो केंद्रीय मिनिस्टर बन जाएंगे, इस बात की गारंटी लिख लेना। मगर आने वाले समय में उनका विरोध बहुत बड़ा होगा, क्योंकि वो मिनिस्टर तो बन जाएगी मगर कुछ सीनियर लोग हैं जिनको प्रमोशन मिलना चाहिए, वो उनको प्रमोशन नहीं मिलता है, उसकी वजह से वो लोग भी पार्टी के अंदर हो हा कर देंगे और पार्टी की इमेज खराब होएगा, इस बात की गारंटी लिख लेना। मगर मेरा जहाँ तक खाला ख्याल है, अभी क्या है कि शनि की राहु की महादशा में शनि की अंतर दशा चल रही है, तो शनि की महादशा और राहु की महादशा इंसान के जीवन में बहुत अगत्य का भाव बजती है, तो शनि की पनौती भी चल रही है और उन्हें डिप्रेशन में रखेंगे, हेल्थ वाइज प्रश्न भी उपस्थित होगा, एक्सीडेंट का भी योग बन रहा है। तो हमारा कहना का क्या है, हमारा कहना ये तात्पर्य है कि अभी शनि के अंदर राहु की जो महादशा चल रही है तो वो महादशा उनको इतनी लाभ नहीं देगी। हाँ, वो कैबिनेट मिनिस्टर बन जाएगा 30 मार्च से 30 जून के अंदर, इसी साल के अंदर वो मिनिस्टर तो बन ही जाएगा, मगर कुछ लोग उनका विरोध करेंगे और वो विरोध की वजह से उनको बहुत सा तकलीफ पड़ेगी, उनकी थोड़ी इमेज में भी प्रॉब्लम आएगा और बीजेपी वालों ही खुद उनसे नाराज हो जाएंगे। ये हमारा जजमेंट है, आने वाले समय में भी ये कभी सीएम नहीं बनेगा, इस बात की गारंटी लिख लेना, क्योंकि सप्तमेश चंद्र है वो मारक स्थान में पड़ा हुआ है और उनके साथ राहु का होना ये बहुत अशुभ फलदायी है। आज तक हमने जितने भी प्रिडिक्शन किए सभी देश की जनताओं ने देखे है, तो ये भी हमारा जो आर्टिकल है वो भी लिख लेना, देखना, ध्यान से देखना, और हमारा जजमेंट 100% ही रहता है। हम किसी बात में शक्यता शब्द नहीं लाते हैं, हमारी आगाही इम्पॉसिबल तो कभी नहीं होती है, पॉसिबल ही होती है। तो ये भी याद रखना कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कभी भी भारत के किसी भी स्टेट के अंदर सीएम नहीं बनेगा, ये लिख लेना।
और अगर हमारा जो भी कल दर्शक हमारा कांटेक्ट करना चाहते हैं वो हमारा कांटेक्ट हमारे इस नंबर से कर सकते हैं 9638420321। सभी दर्शकों को दक्ष प्रजापति मुकेश कुमार ईश्वरलाल का सादर प्रणाम।